गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान शिक्षण में इसके पहले हमने भौतिक विज्ञान के दो टॉपिक को समाप्त किया था। इसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा है जीव विज्ञान से संबंधित है, उसी की अगली कड़ी में आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है जीवन की क्रियाएं, एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। इसके पहले के जो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मनुष्य का शरीर है किस प्रकार से जो है वो सेल से बना हुआ है और किस प्रकार सेल की रचना हुई है, पौधों में किस प्रकार के सेल पाए जाते हैं और जीव जंतुओं में किस प्रकार के सेल पाए जाते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि जब जीवन की उत्पत्ति होती है तो जीवन से संबंधित बहुत सी क्रियाएं जो है, बहुत सी एक्टिविटीज आती है जिसके परिणामस्वरूप इस जीवन को संचालित किया जाता है या जीने की प्रक्रिया सीखी जाती है। इस प्रक्रियाओं में जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वह जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, छोटे छोटे वनस्पतियों के लिए, छोटे छोटे जीवधारियों के लिए और ऐसे सूक्ष्म जीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के वातावरण में अपने जीवन को जी सके, अपने जीवन को क्रियाशील बना सके या अपने आप को जीवित रह सके। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसके माध्यम से वे अपने आप को इस पूरे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने जो है इस ब्लैक बोर्ड पे मैंने डिकेट किया हुआ है। जैसे मैंने पहला लिखा हुआ है पोषण, दूसरा मैंने लिखा है श्वसन, तीसरा मैंने लिखा है उत्सर्जन, फिर अगला है संवेदनशीलता, ये मैंने लिखा है प्रकाश संश्लेषण, फिर अगला है वृद्धि एवं प्रजनन और लास्ट में मैंने लिखा है वातोत्सर्जन। ठीक है, अब ये जो सात महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की बदौलत जो है हमारे जीवन की क्रियाएं जो होती हैं वह संचालित होती है। अब पेड़ पौधों की बात कर ली जाए या मनुष्य की बात कर ली जाए तो दोनों के जीवन की क्रियाएं जो होती हैं वह डिफर होती है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग होता है और मनुष्यों का स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से सूक्ष्म जीवों का स्ट्रक्चर अलग होता है। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो अपने आप को सर्वाइव करने के अलग अलग तरीकों से अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। बहुत से जलीय जीव जंतु हैं, बहुत से ऐसे हैं स्थलीय जीव जंतु हैं, तो अपने अकॉर्डिंग वो अपने आप को इन्हीं सात बिंदुओं के अंतर्गत अपनी प्रक्रिया को या जीने के तरीके को रखने का प्रयास करते हैं। अब इसका मेरा जो सबसे पहला पॉइंट है वह है पोषण, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए पोषण होता क्या है, पोषण के अंतर्गत क्या रखते हैं। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मनुष्य, पेड़ पौधे या जितने भी जो वस्तुएं होती हैं, जो सजीव वस्तुएं होती हैं, अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं या जीने की कला सीखते हैं। इन्हीं पोषण की बदौलत उनकी सारी प्रक्रिया जो होती है वह संचालित होती है। अब पोषण में हम लोग क्या लेते हैं, जैसे मनुष्य जो है अपने जीवन को जीने के लिए भोजन ग्रहण करता है, सांस लेता है, ठीक है, उत्सर्जन की क्रियाएं करता है, तो ये उसकी नेसेसरी चीजें हैं, इसके बिना वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज मैंने इसमें लिखा हुआ है, जो पोषण न्यूट्रिशियंस होता है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और दूसरा है विषम पोषण। स्वपोषण को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं और विषम पोषण को हेटरोट्रॉपिक के नाम से जाना जाता है। स्वपोषण के अंतर्गत जैसे पेड़ पौधे होते हैं और विषम पोषण के अंतर्गत जीवधारी होते हैं। अब स्वपोषण का मतलब क्या होता है, स्वपोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि वह व्यक्ति वह पेड़ पौधे ऐसे जीव या ऐसी वस्तुएं जो अपने जीवन को जीने के लिए स्वयं अपना भोजन बनाती है वह स्वपोषण के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे पानी के द्वारा, सूर्य की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं की प्रक्रियाएं संचालित होती है और वह अपना पोषण प्राप्त करती है और यह पोषण उनकी वृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव जंतु इस पृथ्वी पे जो जन्म लेता है उस
उसका उद्देश्य दो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, एक तो वृद्धि करना और दूसरा होता है प्रसरण करना। आप इसमें इस सर्वाइव को जोड़ सकते हैं कि किस प्रकार से हमें इस पृथ्वी पे हमको सर्वाइव करना है। तो स्वपोषण के अंतर्गत जो है पेड़ पौधे आते हैं और विषम पोषण के अंतर्गत जीव खाली होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पेड़ पौधों के बारे में। देखिए आपने पहले लिखा हुआ है, लेकिन किया हुआ है, जो पेड़ पौधे होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी मतलब कि ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों कराई जाती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना करके वृद्धि करते हैं और वृद्धि के परिणाम स्वरूप होता है क्या होता है, उनके अंदर फल लगते हैं, है ना, और नए नए पौधों की उत्पत्ति होती है। तो ये स्वपोषी पौधे होते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया परपोषी पौधे। अब परपोषी पौधों को हमने जो है चार भाग में डिवाइड किया है। देखिए पहला क्या है, परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी और कीट भक्षी पेड़ पौधे। परजीवी को क्या बोलते हैं? पैरासिट्स, है ना। अब परजीवी क्या होते हैं? परजीवी ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो अपनी पोषण यानी कि अपने को जीवित रखने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे ये यहाँ पे अमर बेल हो गया, आपने गांव में या शहर में ऐसे पेड़ पौधे देखे होंगे जिसपे दूसरे टाइप के कुछ पौधे उगाते हैं, है ना। जो दूसरे टाइप के पौधे उगाते हैं उन्हें ना मिट्टी मिलती है ना कहीं से ऊर्जा मिलती है, तो वे क्या करते हैं, वे उन्हीं पेड़ पौधों से अपनी आजीविका अपने जीवन की प्रक्रियाएं संचालित करते हैं और उनसे उनको पोषण मिलता है जिसके माध्यम से उनकी वृद्धि होती है। अब दूसरा मैंने यहाँ लिखा है मृतजीवी, स्पैरोसाइट्स। मृतजीवी क्या होते हैं? मृतजीवी ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो मरे हुए पेड़ पौधों या मरे हुए जीवों पर अपने जीवन को संचालित करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है मशरूम, बरसात का आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे जीव जंतु जो मरे होते हैं या सड़े गले स्थानों पर मशरूम बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है। ये कारण क्या है? क्योंकि यह मृत जीवी होता है, इसके अंदर जो होता है वो ये ग्रीन कलर का नहीं होता है, ठीक है ना, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाता है जिसके कारण से इसे हम लोग मृत जीवी कहते हैं। अर्थात ये अपना पोषण दूसरे सड़े हुए पौधों से या फिर मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है। अब देखिए उसका अगला पॉइंट है सहजीवी, है ना। सहजीवी क्या होता है? ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो साथ साथ अपने को एक दूसरे के साथ स्थापित करके अपनी पूरी प्रक्रिया संचालित करते हैं। जैसे मैंने आपने कहा है शैवाल और कवक, ये क्या होते हैं? ये आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद जो है अपने पोषण की प्रक्रिया जो है पूरी कर पाते हैं। और लास्ट मैंने लिखा है कीट भक्षी पेड़ पौधे। कीट भक्षी पेड़ पौधों में जैसे मैंने क्या लिखा है, घटपाड़ी, रोसेरा, यूट्री, बुलेरियस, ठीक है ना। अब कीट भक्षी पौधे कौन से होते हैं? ऐसे पेड़ पौधे आपने देखा होगा या सुना होगा जो कीटों को, छोटे छोटे कीट पतंगों को या कुछ बड़े चीजों को भक्षण कर लेते हैं और उनके जो ब्लड होता है उससे जो है अपने पोषण तत्वों को प्राप्त करते हैं। ऐसे पेड़ पौधों को हम लोग कीट भक्षी पेड़ पौधे कहते हैं। जो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, अर्थात ऐसे पेड़ पौधे जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं उन सभी पेड़ पौधों को हम क्या बोलते हैं? परपोषी कहते हैं। और ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं जैसे नीम हो गया, आम हो गया, ये जंगली पेड़ पौधे हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी की श्रेणी में रखते हैं। धन्यवाद।